जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने सयाहत को बढ़ावा देने के लिए जिन 75 गैर मारूफ इलाकों की निशानदेही की है उनमें ड्रंग भी शामिल है। ड्रंग एक काफ़ी खूबसूरत इलाका है। पहाड़ों के दरमियान हरे भरे मैदान से भरा हुआ यह इलाका नेशनल हाईवे से सिर्फ 3 किलोमीटर पर दूर पर वाक़ है। ड्रंग को गुलमर्ग का गेटवे भी कहा जाता है। मुकामी लोगों के मुताबिक ड्रंग का यह इलाका पहलगाम से बिल्कुल मिलता जुलता है। देवदार के जंगल, बालाई इलाकों से गिरने वाला झरना और फिरोजपुर नाले के ऊपर बने लॉन्ग ब्रिज सयाहों के लिए बेहतरीन पिकनिक स्पॉट के तौर पर है। टूरिज्म डिपार्टमेंट की कोशिशों से हालिया दिनों में यहाँ भी सयाह काफ़ी ज़्यादा आते हैं और काफ़ी पसंद करते हैं। ज़िला इंतजामिया के साथ मिलकर टूरिज्म डिपार्टमेंट इलाके में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में लगा हुआ है। सेक्रेटरी टूरिज्म सैयद आविद रशीद ने कहा है कि सयाहती शोबे से जुड़े हुए लोगों और मुकामी लोगों की मदद से ड्रंग जैसे इलाकों को टूरिस्ट मैप पर लाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि इस साल इस कैलेंडर ईयर में हमने नई नई डेस्टिनेशंस को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। 75 ऑफ पीक डेस्टिनेशंस जिसमें आपका ड्रंग आता है, 75 ऐसी डेस्टिनेशंस जो कि एडवेंचर टूरिज्म की डेस्टिनेशंस हैं जहां आप बहुत आराम से जा सकते हैं और अच्छे ट्रैक्स हैं और शायद दुनिया के सबसे फेमस ट्रैक्स में से हैं। इसी तरह से आपके 75 कल्चरल डेस्टिनेशंस की साइट्स हैं और इसके अलावा अजी ऐसी ऐसी डेस्टिनेशंस जो अभी तक लोगों ने नहीं देखी हैं। तो हम सब इसको मिलके प्रमोट कर रहे हैं और मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट के, खा वो टूरिज़्म ट्रेड से जुड़े हुए ट्रैवल एजेंट्स हों, खा वो गाइड हजरात हों, खा वो होटलियर्स हों, रेस्टोरेंट ओनर्स हों, टैक्सी वाले हों, कैब वाले हों, उन सब ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है। और जम्मू कश्मीर पूरी दुनिया में जैसे मैंने कहा मायनाज है टूरिज़्म के हवाले से, लेकिन बात यह है कि आने वाले वक्त में टूरिस्ट का रश बहुत बढ़ेगा